पाए चोरों से छुटकारा, अपनी दुकान ज्वेलर्स गोदाम में लगवाए सुपर सायरन सिस्टम और हो जाए बेफिक्र। सायरन लगवाने के लिए आज ही संपर्क करें। दमोह जिले के पथरिया इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही और मनमानी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना ही लोग अच्छे से रह पा रहे हैं। 8 दिनों से गांव में बिजली बंद पड़ी है। ये पूरा मामला पथरिया विकास खंड के ग्राम पंचायत बोतराई के पास रैयाहार का है, जहाँ करीब 40 परिवार की 600 के करीब आबादी है। आरोप है कि बिजली कर्मचारियों की लापरवाही से आए दिन बिजली सप्लाई बंद रहती है। पिछले 8 दिन से सप्लाई पूरी तरह से बंद है। ग्रामीणों ने लाइनमैन रामलाल पटेल से शिकायत की, लेकिन फिर भी सुधार कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत का ट्रांसफार्मर कुछ दिनों पहले बदला गया था, उसके बाद भी वो जल गया, जिससे गाँव में सप्लाई बंद पड़ी है। लाइनमैन के अलावा कार्यालय पहुंचकर भी शिकायत की, लेकिन अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण बिजली कार्यालय पहुंचे और ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग की। ऐसा भी आरोप है कि जूनियर इंजीनियर ML सुमन ग्रामीणों पर भड़कने लगे कि लोगों का बिल बकाया है, जिससे सप्लाई बंद है, जबकि ग्रामीणों का कहना था कि किसी भी व्यक्ति का बिल बकाया नहीं है, जानबूझकर सप्लाई बंद करवाने के आरोप लगाए। हम डीपी के लाने आए, 8 दिन से हमारे डीपी नहीं आ, 9 ट्रांसफार्मर धरो तो जल चुकू है, माने 500 आदमी घर की बस्ती है, और मतलब में तो लाइट यहाँ नहीं है। हमारा बाल बच्ची परेशान है लाइट से, माने अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है। हमारे 5-6 बजे इतने आ चुकी है, साहब भी नहीं मिल रहा है और लैंडमैन भी उधर फोटो उतार भी नहीं जा रहा है। इतने आ रहा है, फोटो ले आओ जवान को, मैं तो कार्य करूँ कि भगा दी। हम क्या नाम है आप? उमरा। हम इस समस्या को लेकर पहुँचे हैं ग्राम पंचायत बोतराई गोकल ग्राम बोतराई की रंजाहार में, जो डीपी रखी थी 8 दिन पहले, माने महीना 2 महीना पहले रखवाई गई थी, वो जल गई आ गई। यहाँ 3-4 दिन से फिर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अधिकारियों का जो कहना रहता है कल रखवा देंगे, आज रखवा देंगे, नहीं आज तक रामलाल वहाँ पहुँचे हैं जो लाइनमैन है, बस वहाँ लाइनमैन पहुँचे नहीं है आ गई। जो हमें सजेशन मिला गया था कि वहाँ जो डीपी रखी उसकी फोटो उतरवा के हम माने यहाँ पहुँचा देंगे, उसकी समस्या में कोई आज तक रामलाल ने कोई बोने की गया। कार्यालय हम 10 दार आ चुके, क्या आते हैं, जब यही कहना रहता है कि रखवा देंगे। नर्मदा प्रसाद पटेल। स्कूली छात्र ने बताया कि बिजली ना होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हम लोग यहाँ बिजली के लिए आए हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, पथरिया कॉलेज में पढ़ते हैं, ये हमारा दोस्त है और हमारे छोटे बड़े भाई बहन सब लोग पढ़ते हैं, और 10-15 दिन से लाइट भी नहीं है और परीक्षाएं भी आ रही हैं, और वहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे घरों में दूर दूर तक लाइट नहीं आ रही है, गांव देहात में आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, बहुत परेशान जा रही है। यहाँ पर शिकायत करते हैं तो कोई भी नहीं सुनता, ना ही सचिव सुनते हैं, ना ही सरपंच सुनते हैं, मतलब हमारे यहाँ गांव की स्थिति बहुत ही ख़राब है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, न्यूज भी निकलवा रहे हैं, इससे कुछ होगा अगर आप लोग भाई बहन थोड़ा सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। यदि हमारे की पढ़ाई में कोई रुकावट आ रही है तो इसकी जिम्मेदार शासन होगी। पहले से ही लॉकडाउन की वजह से हमारे की पढ़ाई बहुत ऐसी गंभीर स्थिति से हो रही है, क्लासें भी नहीं लग रही थी, कोरोना वायरस की वजह से घर पर पढ़ते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे, उससे कुछ वो नहीं हो रहा था। अब जैसे क्लास लग रही है तो दिन में तो स्कूल जाते हैं, साथ में काम भी करना पड़ता है, और रात में पढ़ते हैं तो लाइट भी नहीं आ रही, इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसकी जिम्मेदार शासन होगी। मेरा नाम तुलसी पटेल है। वहीं इस पूरे मामले में जूनियर इंजीनियर ML सुमन का कहना है कि लाइनमैन से चेक करवाएंगे, अगर
पैसे भरे होंगे तो दो दिन में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा। पहले पैसा भर जाएगा बदल जाएगी, पैसा भरे होंगे तो बदल जाएगी। तो इनका कहना है पैसे भरे, पिछले 8 दिनों से लाइट नहीं है, बच्चों की पढ़ाई करवा। इसलिए तो मैंने मिस्त्री को बुलाया कि मिस्त्री वहाँ की सूची देगा कि पैसा भरे है कि नहीं भरे। पैसा भरे होंगे तो डीपी 2 दिन में बदल जाएगी, ठीक है। पथरिया से आफताब खान, सागर टीवी न्यूज। अब पाएं चोरों से छुटकारा, अपनी दुकान, ज्वेलर्स, गोदाम में लगवाएं सुपर सायरन सिस्टम और हो जाएं बेफिक्र। सायरन लगवाने के लिए आज ही संपर्क करें विजय सिंह जाट, हमारा नंबर है 8989031765, 9329476417।